और सभी को मैं नवनीत गौतम नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कोऑर्डिनेट जो सिस्टम चैप्टर है आपका, उसमें कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं, आइए उन्हें कर लेते हैं। तो इसमें आप आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हेडिंग लिखो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो यानी विस्थापन निकालना है आपको, और वेलोसिटी, ठीक है, यानी वेग, और साथ में एक्सेलरेशन निकालेंगे यानी कि त्वरण, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्लियर है। कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक, ठीक है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और उसमें आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस है ना, ये आप जानते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ठीक है जी। देखो यहाँ पर मान लो कोई वेक्टर है, ये कितना है, मान लो वेक्टर r, ठीक, पॉइंट p, और जो वेक्टर r का यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो इस तरफ ही होगी, r कैप, क्लियर है। तो ये है अलोंग द रेडियस, है ना, ये क्या है, रेडियस वेक्टर बोलते हैं इसे। तो ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस या रेडियस वेक्टर, और इसे रेडियल कंपोनेंट भी बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, जो रेडियल कंपोनेंट के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसे बोलते हैं थीटा कैप, क्लियर है। तो मैं बात कर रहा था पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें करना है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कौन से, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले आप थोड़ा इसका बेसिक समझो, बेसिक के बारे में, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता होगा, ये कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा के टर्म में होते हैं, क्लियर है। और देखो जैसे आपने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और कार्टेशियन कंपोनेंट में पढ़ा है ना, तो जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप होता है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर जो आर का यूनिट वेक्टर है वो आर कैप होगा और थीटा का थीटा कैप होगा, ठीक है। और एक बात मैंने आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर में बताई थी कि यदि कहीं ऐसे लिखा हो, देखो यदि कहीं ऐसे लिखा हो डी आर अपॉन डी टी, तो हमने उसे वहां पे क्या लिखा था, आर डॉट, है ना, इस तरीके लिखा था या नहीं, ठीक है। एक डॉट का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशियल, और दो डॉट हो जाए तो दो बार डिफरेंशियल, ठीक है। ये बात मैंने आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बताई थी, जब उसके एग्जाम्पल कराए थे, ठीक है। दो बार डिफरेंशियल है तो शॉर्ट में लिखने का मेथड है ये, ठीक है, ये इसमें यूज होंगे, है ना, डेरिवेशन में। और देखो एक बात और बताऊँ, ये कुछ फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, डी आर आर कैप अपॉन डी थीटा, ये होता है थीटा कैप, क्लियर है, ठीक है जी। और देखो डॉट वाला सिस्टम तो आप समझ ही गए, डॉट वाले सिस्टम में एक बात और देख लो, जैसे कहीं लिखा है डी थीटा अपॉन डी टी, तो बताओ डॉट किस पर आएगा, थीटा पर, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं उस पर डॉट आता है, यहाँ पर थीटा कर रहे हैं तो थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी आर कैप अपॉन डी थीटा कितना होता है, थीटा कैप, ठीक है। ये रिलेशन है किस किस के बीच, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच, क्लियर है। और देखो एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा, ये होता है माइनस का आर कैप, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं और ये बेसिक बात है, ये सब बेसिक बात है जो आप जानते हो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो और ये चीज़ आप कॉपी के ऊपर की तरफ नोट कर लेना, ठीक है जी। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इनकी जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना,
तो ये तो आप समझ गए, बस इन दोनों की शायद आवश्यकता पड़ेगी, शायद क्या ही तो पड़ेगी है ना, तभी मैंने आपको बताए हैं। अब देखो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के क्रम में आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद ठीक है, देखो वेक्टर OP किसके बराबर है, वेक्टर R के, ठीक है, वेक्टर R के बराबर है, क्लियर है। और R कैप क्या है, R कैप लिख देना, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन कैसा, रेडियल, तो लिखना R कैप बी द रेडियल यूनिट वेक्टर एंड थीटा कैप बी द ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन देखो, देन तो देन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियल यूनिट वेक्टर, देन रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, बताओ क्या हो जाएगा भाई, आर कैप से डिनोट करोगे, और आप पहले से इसका फॉर्मूला जानते हो, वेक्टर आर अपॉन आर होता है, ठीक है। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ही तो है, कोई पार्टिकल ओ पर था, पी पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट OP हुआ जो वेक्टर आर के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो देखियो देन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया कितना आएगा, वेक्टर आर बराबर आर इंटू आर कैप, ठीक है जी, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, कर लोगे ना इसे, ठीक है, ये फॉर्मूले मैं आपके सामने रखता हूँ अभी, बाकी है ना, जिससे आपको याद रहे तो फिर आप समझेंगे, ठीक है, कि ये फॉर्मूले होते हैं और इनका यूज होना है, क्लियर है। तो डी आर कैप अपॉन डी थीटा, ठीक है, ये याद रखना है, आर कैप और थीटा कैप के बीच रिलेशन है ये, क्लियर है। और दूसरा थीटा कैप का डिफरेंशियल है थीटा के ही रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर कैप, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना विशेष रूप से। आप देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट का तो हो गया, वेलोसिटी निकालना थोड़ा है ना, इससे थोड़ा जटिल है, और एक्सेलरेशन निकालना थोड़ा और जटिल है, जटिल का मतलब कठिन नहीं होता है ना, इसलिए डरना मत, जटिल का अर्थ क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, इसका मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, कठिन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं होता, कोई चीज़ जटिल होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आप उसे एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, आसान होती जाती है, जितनी बार करोगे ना उतनी ही बार चीज़ें आसान होती जाती हैं, हर बार आपको लगेगा कि ये कितना आसान हुआ है पिछली बार से, इस बार जब किया है तो, ठीक है। तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे, और वेलोसिटी निकालने के लिए कोई बड़ी बात है नहीं, आप जानते हो, देखो यहाँ से मैं कर देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर v बराबर आप जानते हो d वेक्टर r अपॉन dt, ठीक है, सभी जानते हैं। और वेक्टर r की वैल्यू आपको पता है, वेक्टर r की वैल्यू ये रही, तो देखो d अपॉन dt वेक्टर r का मान रखो r इंटू आर कैप, ठीक है, दो पद हैं तो दो पदों के गुणा का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो मैंने कहा डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, आर डॉट लिख सकते हैं, ठीक है, और डी आर कैप अपॉन डी टी का तो फॉर्मूला है नहीं, डी आर कैप अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला है, तो इसे ऐसे कर लो, आर तो ऐसे रहेगा, डी आर कैप अपॉन डी थीटा कर लो, यानी डी थीटा से भाग कर दिया और डी थीटा से गुना कर दी, कर सकते हैं ना भाई, डी आर कैप तो ऐसे ही रहा, डी टी ये रहा अपोन का, तो डी थीटा के से भाग किया, डी थीटा से गुना कर लिया, और प्लस आर कैप, और ये अभी डी आर अपोन डी टी, ठीक है, सबको एक साथ ही करेंगे एक जैसा, तो वेक्टर वी बराबर देखो आर डी आर कैप अपोन डी थीटा क्या है, वहां देखो थीटा कैप है, और ये डी थीटा अपॉन डी टी मैंने बताया, एक बार डिफरेंशियल हो, जिसका डिफरेंशियल हो उस पर डॉट लग जाएगा, ठीक है, लिखने का शॉर्ट मेथड है ये, प्लस आर कैप ऐसी, और देखो डी आर अपॉन डी टी मैंने बताया, जिसका डिफरेंशियल है उस पर डॉट लग जाएगा, क्लियर है, ठीक है, बस ये हो गया ये, तो वेक्टर वी बराबर, या इसे भी बॉक्स में बंद कर लो, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या थीटा थीटा आ रहा है तो वी थीटा,
वेक्टर वी थीटा, और यहाँ आर आर आ रहा है दोनों, तो वेक्टर वी आर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वेयर ये जो वी वेक्टर वी थीटा है ना, ये किसके बराबर है, इसके आर है ना, और इनटू में क्या है थीटा कैप, और इनटू इनटू थीटा डॉट। और थीटा मैंने बताया ट्रांसवर्स है, बताया था ना अभी, कैसे कंपोनेंट है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, कैसा कंपोनेंट है थीटा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। और ये जो है वी आर, वी आर इसके बराबर है भाई, आर कैप आर डॉट की जगह क्या माना वेक्टर वी आर, तो ये हो जाएगा आर कैप और आर डॉट। ठीक है, और ये कैसा है आर आ रहा है यानी रेडियल। ठीक है, कैसा कंपोनेंट है रेडियल कंपोनेंट, और किसका वेलोसिटी का, तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट कैपिटल में लिख लो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है। ठीक है, वी आर, बात समझ में आ रही है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट निकालना था, निकाल दिया है, और साथ में वेलोसिटी निकालनी थी, निकाल दी है, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर किस पर, एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं इधर, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने तरीके से नोट कर लेना, बस ये दोनों फॉर्मूले मैंने बताए, इन्हें ऊपर की साइड लिख लेना, और बाकी ठीक है डायग्राम वगैरह सब बना चुके हैं आप। अब हमें क्या करना है, बस इसका एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। देखो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आप जानते हो, है ना, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप बहुत अच्छे जानते हैं, लिख देना, देन एक्सेलरेशन वेक्टर ए बराबर हो जाएगा डी वेक्टर बी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी, वेक्टर बी का मान है हमारे पास ऊपर वाला, ये नहीं रखना, ये वाला क्या है भैया रख लो, आर थीटा कैप थीटा डॉट प्लस आर कैप आर डॉट। ठीक है, बस थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, तो ध्यान दो, एक लाइन चलो यहीं लिख लेते हैं, या चलो छोड़ो यहीं लिख लेते हैं, कभी दिखे ना उधर, देखो d अपॉन डी टी, ठीक है, r थीटा कैप थीटा डॉट, दूसरे में भी कर दो d अपॉन डी टी आर कैप r डॉट। ठीक है जी, आप देखो ध्यान से, देखो ये पहला पद मान लो, ये दूसरा पद मान लो, दोनों को एक साथ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर है, और प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी आर अपॉन डी टी, क्लियर है, बात समझ में आई भाई, पहला पद ऐसा कैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा पद ऐसा कैसे ही पहले का डिफरेंशियल। ठीक है, आगे आओ, यहां भी ये करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज क्या आएगा, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज पहले का डिफरेंशियल। ठीक है जी, दो पदों गुना का फॉर्मूला जानते होंगे डिफरेंशियल का, और आप देख के बताओ। ठीक है, यहां पे भी तो दो पद हैं, तो फिर दोबारा वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज पहले का डिफरेंशियल। ठीक है जी, क्लियर है, चलो और मैं एक लाइन, चलो रहने दो, अगली लाइन में लिख लेंगे, मतलब आर की गुना करनी है मुझे बस, डी आर अपॉन डी टी आर कैप, बाकी आगे का सारा ऐसा ही लिख रहे हैं। ठीक है, मैच करते चलना है ना, कहीं कोई गलती ना हो जाए बस, है ना, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। R की मल्टीप्लाई कर दे अंदर, ठीक है, तो R की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, R थीटा कैप, और यहाँ देखो आप d थीटा अपॉन डी टी का फॉर्मूला है क्या कुछ, मैंने बता रखा है आपसे क्या कि भैया जिसका डिफरेंशियल होता है उसमें डॉट लग जाता है, और यहाँ एक डॉट पहले से लगा हुआ है, तो
डबल डॉट लग जाएगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि थीटा डॉट का फिर डिफरेंशियल हुआ तो डबल डॉट लगेगा या नहीं, क्लियर है। चलो आगे, फिर आर आर था, थीटा डॉट है, और इसका डी थीटा अपॉन वो डी थीटा कैप ओवर डी टी, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा कर लो इसे, और डी थीटा अपॉन डी टी कर लो, ठीक है। थीटा डी थीटा से भाग किया, डी थीटा से गुना कर लिया, अपॉन का डी टी ये रहा और ऊपर का डी थीटा कैप ये रहा, कर सकते हैं ना। चलो, और आर से गुना की थी वो तो कर ही लिए, आगे चलो। प्लस यहाँ देखो, थीटा कैप थीटा डॉट और ये क्या हो जाएगा, आर डॉट, आर डॉट हो जाएगा ना। चलो आगे देखो, आर कैप और ये क्या हो जाएगा, आर पे दो डॉट आ जाएंगे, एक डॉट पहले ही थी, अब फिर डिफरेंशियल किया तो दो डॉट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो आर डॉट, और इसका फॉर्मूला बताओ, डी आर कैप अपॉन डी टी का, तो आप समझ रहे होंगे क्या करेंगे भाई, डी थीटा से भाग कर दो, ठीक है, और डी थीटा से गुना कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन पे, वेक्टर ए बराबर आर थीटा कैप है ना, थीटा डबल डॉट आर थीटा डॉट, देखो ये हो जाएगा, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस का आर कैप लिखवाया था ना मैंने, अभी उधर से मैंने रफ कर दिया है ना, आपको मैंने पहले नोट करवा दिया। तो इसका फॉर्मूला देखो, माइनस का आर कैप है या नहीं, और डी थीटा अपॉन डी टी है, तो ये तो थीटा डॉट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। चलो, और ये थीटा कैप थीटा डॉट आर डॉट प्लस आर कैप आर डबल डॉट, तो देखो डी ये आर डॉट ऐसा कैसे ही, और देखो डी आर कैप अपॉन डी थीटा फॉर्मूले लिखवाए दो, उनमें देखो क्या होता है, डी आर कैप अपॉन डी थीटा होता है, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, क्या होता है आर कैप, वो थीटा कैप क्या होता है, थीटा कैप, क्लियर है। दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक मैंने यहाँ पर यूज किया कि डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा होना तो माइनस का आर कैप हो जाता है, और एक ये था कि डी आर कैप अपॉन डी थीटा हो तो वो थीटा कैप हो जाता है, दोनों फॉर्मूले याद रखना। और देखो इनटू में क्या हो जाएगा, ये डी थीटा का डिफरेंशियल हो रहा है, मतलब थीटा का डिफरेंशियल हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो जिसका डिफरेंशियल होगा उस पर क्या लगेगा, डॉट, क्लियर है। आप देखो यहाँ पे आर कैप वाले एक साथ कर लो और थीटा कैप वाले एक साथ कर लो। तो देखो क्या आएगा, वेक्टर ए बराबर आर कैप वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों को एक साथ लिखो। तो देखो आर कैप यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब है पहले उसे लिख लो प्लस वाले को, तो आर डबल डॉट, ठीक है, और यहाँ बीच में माइनस आएगा, और यहाँ देखो आर कैप कॉमन ले लेंगे बाहर, तो आर थीटा डॉट, देखो आर थीटा डॉट का स्क्वायर दो है ना, थीटा डॉट और आर कैप बाहर, बात समझ में आई भाई। दोबारा देखो, आर कैप आर डबल डॉट है तो आर कैप तो बाहर ले लिया, आर डबल डॉट बचा, बीच में ये वाला देखो माइनस, बीच में माइनस और आर बचा, और थीटा डॉट दो बार है तो थीटा डॉट का स्क्वायर, आर कैप बाहर आया, दोनों टर्म हो गई। अब थीटा कैप वाली टर्म एक साथ लो, तो थीटा कैप वाला एक तो ये रहा, तो क्या बचेगा आर है ना थीटा डबल डॉट, एक तो ये हो गया और एक ये है थीटा कैप वाला, क्या बचेगा थीटा डॉट आर डॉट, ठीक है। और देखो आर कैप थीटा कैप वाला एक ये हो गया और एक थीटा कैप वाला ये है, क्या बचेगा आर डॉट थीटा डॉट और बाहर क्या है थीटा कैप, क्लियर है, समझ रहे हो। चलो, तो वेक्टर ए बराबर इधर से मैं रफ कर दूं, कर लिया होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। अब देखो ध्यान दो क्या करना है, इधर देख लो, देखो वेक्टर ए बराबर इसे पहले को तो ऐसे ही रहने दो भाई, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर और ये आर कैप प्लस, देखो ये दोनों एक जैसे नहीं है, आर डॉट थीटा डॉट आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है, तो आर थीटा डबल डॉट प्लस
टू आर डॉट थीटा डॉट, और यहाँ पे क्या है थीटा कैप, तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपका। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए आर आर कैप प्लस, और ये लिखोगे ए थीटा थीटा कैप। ठीक है, यानी वेयर करके बता दो कि ए आर किसके बराबर है, ए आर है आपका आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक, और आपका जो ए थीटा है, ए का मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन है रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर का मतलब क्या है रेडियल एक्सेलरेशन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है ये, है ना, क्योंकि वेक्टर नहीं है ना इस पर, और ए थीटा का मतलब है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है कितना है आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट, और थीटा वो थीटा कैप तो आएगा नहीं, केवल ये देख रहे हैं ए थीटा कितना है। ठीक है, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए बराबर ए वेक्टर ए आर प्लस वेक्टर ए थीटा। ठीक है, क्लियर है जी। और देखो अब मैं बता ही दूं आपको, वेयर करके लिखना वेक्टर ए आर बराबर कितना है, वेक्टर ए आर बराबर ये है, ये है ना, या डायरेक्ट ये लिख सकते हो, समझ गए, पूरा ही लिख लो चाहे तो, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर और इनटू में है आर कैप। ठीक, और ए थीटा, ए थीटा इसके बराबर, वो वेक्टर ए थीटा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आप लिख सकते हो वेक्टर ए थीटा बराबर आ जाएगा आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट और थीटा कैप। आर आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या है रेडियल एक्सेलरेशन, लिख देना है ना, और ये क्या आएगा थीटा आ रहा है तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, रेडियल माने रेडियस वेक्टर कह लूँ, और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर के, यहाँ तक सभी को आपको क्लियर होगा, और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी टॉपिक छूटे हुए हों, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग टॉपिक रहते हैं, जैसे ये बताया मुझे कि टॉपिक छूटा हुआ रह रहा था, लेकिन ये कृष्णा की बुक में नहीं था, है ना, तो आपके अनुसार आपके पास जो भी बुक हो उसके अनुसार यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।